शोभा यात्रा का स्वागत करिए करतल धूम के साथ। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रवदः आचार्याय प्रियं धर्मार्थ प्रजातन्त्वं मा व्यवच्छेत्सि। सत्यान्न प्रवदितव्यं धर्मान्न प्रवदितव्यं कुशलान्न प्रवदितव्यं भूत्यैन प्रवदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रवदितव्यं देव पितृभार्याभ्यान्न प्रवदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव यतिदेवो भव यान्यरवत्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जजतराः सुष्टो वाग्ं सत्तानो व्यभते महि देवहितं जरायोः सतमेन्दो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम्ब पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिक्षतायुर्गन्तो। ये ज्ञान की शोभा यात्रा, ये हमारे विश्वविद्यालय की अकादमिक गरिमा की शोभा यात्रा आपके सामने। अब मैं बहुत आदर के साथ माननीय अतिथियों से, अपने कुलाधिपति महोदय से और कुलपति महोदय से, हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरी सिंह गौर और माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण। Yeah.
बीड़ा बादिनी भवानी। देव अभ्यर्थना के बाद अब अवसर है हमारे अतिथियों के स्वागत का। हमारे बीच भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली की महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर पंकज मित्तल जी हैं। ये हमारे लिए आह्लाद क्षण है तो हमने अपने बीच में पाया है। बुंदेलखंड देवता प्रकाश और ज्ञान की रंग और अपने ज्ञान की रंगभूमि हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। औपचारिक स्वागत के लिए मैं सबसे पहले हमारे विश्वविद्यालय के खिलाफ डॉक्टर प्रोफेसर बलवंत राय शांतिलाल जानी जी के कुलपति कुलाधिपति यह एक छोटा पौधा है जिसे सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। इसी क्रम में हमारी आज की अतिथि डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी के स्वागत के लिए मैं कुलपति महोदय से निवेदन करता हूँ। ये बहुत गौरव प्रथम है विद्यार्थी डॉक्टर ध्वज के साथ डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी की उपस्थिति के प्रति हम अपने पुत्र के साथ अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इसके बाद मैं माननीय कुलपति महोदय के स्वागत के लिए दीक्षांत समारोह के मुख्य समारोह प्रोफेसर नवीन कांगे सर माननीय कुलपति महोदय का स्वागत। जिन्होंने इतना सारा कुछ आयोजन ये वैभव ये शोभा आपके दम पर है, आपकी स्वीकृति और सहमति की छाँव में ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं, जा रही हैं। अब मैं दीक्षांत समारोह की औपचारिक शुरुआत के लिए और कार्यक्रम के आगे के दायित्व के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति श्री संतोष सहवाल से धन्यवाद आशुतोष जी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के स्वर्ण जयंती सभागार में उपस्थित मंशा सिंह अतिथिगण जो भी उपस्थित हैं मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रोफेसर बलवंत राय शांतिलाल जानी जी कुलाधिपति डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से मैं 21वें दीक्षांत समारोह आरंभ करने का अनुरोध करता हूँ। Now I invite Honorable Professor Nilima Gupta ji, Vice Chancellor to present welcome speech and annual report of the Vishwavidyalaya.
Institute, the Honorable General Secretary, Association of Indian Universities, and our honored guest, Professor Pankaj Mittal, on this auspicious ceremonial occasion, who has very kindly consented to deliver the convocation address. Madam, you have honored us by accepting our humble invitation. We express our hearty gratitude for the kind gesture. Translation of two MOOC courses in Hindi Dr. Ambedkar Foundation. Awareness Week, that is from 5th to 11th June 2022. Let me tell you, when we are directed by the ministry to organize a one-day program, our university takes an initiative and organizes full one-week program. Similarly, and the one which I'm now just going to share with you, this also was, we got the directions for conducting one-day program,
and the university again conducted it from 31st July to 3rd August, and this was nothing else than Modi at the rate of 20, dream meets delivery, in which our students very actively participated. Amrit Utsav of Independence was celebrated as Independence Week, and tricolor was the pride of every house, Ghar Ghar Tiranga. This was again from August 11 to 17, 2022. On the Partition Vibhiksha Memorial Day, a picture exhibition was organized during August 14 to 17, 2022, in which the pictures, we got them from Delhi, and it was also very successful. Various programs were organized in the university under the Teachers' Festival, under the aegis of the Social Science Teaching Learning Center and Divisional Joint Director, Public Education Division, Sagar, for the educational leadership, role of teachers in the all-round development of students, national education, a one-day seminar come workshop was also organized on the topic Niti 2020 Policy, Riti Evam Sandarbh, during 5th to 8th September 2022. National seminar on contribution of tribal heroes in freedom struggle was organized on September 15, 2022 by the university in association with the National Commission for Tribals, New Delhi. And another achievement that the Honorable Cabinet Minister of Tribal Affairs himself, Dr. Faggan Singh Kulaste, graced this occasion as a chief guest, and I may add that he's an alumni of this very university. Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar has established academic bank of credits. I think madam is very much interested in what the university is doing in these national initiatives. In its 17th regular meeting of the Academic Council held on 22nd September, and I'm happy to inform that 3,323 students have registered so far in the Academic Bank of Credits, and this our Doha office has been doing. And one more thing regarding ABC, the EMMRC, that is the Media Center of the Vishwavidyalaya, has developed three promos, the only university in the entire country, to promote and sensitize the spread of awareness about ABC. A five-day national research seminar on character building and holistic development of personality was organized with the collaboration of Shiksha Sanskriti Uthan Nyas New Delhi during 7th to 11th October 2022, in which more than 300 delegates participated from all over the country, and the university also participated actively in Gyanotsav held at Delhi. March for Unity. March for Unity was organized on the birth anniversary of Sardar Patel on October 31, 2022. The West Zone Inter-University Women's Kho-Kho competition, which was given to us by AIU, was successfully organized during November 7 to 10, 2022. A vibrant seven-day festival, Gaur Utsav 2022. Come on, Gaur Utsav, which is an event for the entire university, was organized to commemorate the Jan Jayanti of our beloved revered founder, Sir Dr. Hari Singh Gaur, during 20th to 26th November, beginning with sports activities on 20th, 29 programs were conducted during this period, including youth festival, cultural fest, friendly cricket match, Kavyanjali, and Gaur Sahitya Pradarshini were organized. It was followed by the program Vidyarthiyon Ke Saath Samvad of two eminent alumni of the university and renowned actors, Sri Asutosh Rana and Sri Mukesh Tiwari. On this very day, Gaur Peet was also established, which was long awaited, and I'm very happy to see the active participation of all those who are concerned with Dr. Hari Singh Gaur with this speech. A well-equipped auditorium, Abhimanch, with 250 seating capacity, was inaugurated by the Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, Sri Virendra Kumarji, on 15th January 2023, in which we are going to have the afternoon's program. A mega alumni meet to reconnect the alumni of Vishwavidyalaya was held on 15 to 16 January 2023 for the first time in the history of the university, and leading alumni from different parts of the country participated in the event. More than
10 lakh revenue has been generated this year through the alumni membership and sponsorship. The university has started AICT-approved Institute of Engineering and Technology with 2 BTech programs in computer science and electronics and communication, and MBA in hospitality management and travel and tourism management. The university has entered into an MOU with the Zoological Survey of India for academic and collaborative research activities. The university has restructured its SIC and set up 8 new thrust area specific research centers in the campus for better utilization of sophisticated instruments as the Center for Advanced Research. Construction and building expansion work are in progress for the library, pharmacy, MBA, and English departments, and new buildings for indigenous knowledge, environmental sciences, Department of Communication and Journalism, and a laboratory complex are shortly coming up. The construction work has started. We plan to provide the best of infrastructural facilities, and IT facilities are being continuously upgraded to make our students tech friendly. The university has collaborated with Shiksha Sanskriti Uthan Nyas New Delhi to conduct courses like environmental awareness, character building and personality development, and Vedic mathematics to promote skill development and employment-oriented programs. The very first Women's Parliament under the aegis of the Association of Indian University is being organized from today itself, today afternoon, and with the collaboration of AIU, Dr. Pankaj Mittal is here, and I'm so very happy when she rang up one fine afternoon and said that we are AIU has initiated this move for the first time in AIU itself, and this meet she has so graciously and with confidence given to us. I'm so very grateful to her. Coming up from the session 23-24, our MSc course in Environmental Science, ITEP, that is Integrated Teacher Education Program, we got the approval only a few days back. Vedic Studies, new courses in engineering, paramedical course, MSc in Forestry Science, which has just been approved by the AC meeting recently, a few days back, and some more are in the pipeline. Our students are the best representatives of all our endeavors and efforts. I'm glad to share the achievements of our students, of our dynamic and vibrant Cultural Council also. In the National Student Parliament 2022, our students bagged the first prize, while a number of awards were won by our students at the Central Zone Inter-University Youth Festival at AKS University, Satna, including folk orchestra, one-act play, skit, mehndi, classical instrument, group song, quiz, and the theater. Overall championship second prize and overall championship third prize was also bagged by Dr. Hari Singh Gaur, Sagar University. Not only that, our colorful students in the National Qawwali Competition, our group bagged the second prize, and in the National Inter-University Youth Festival, our students won the third prize in cultural procession as well as skit competition. They are not behind in academics also. 20 students of the Department of Pharmacy qualified in the prestigious GPAT examination, while one student received MP Young Scientist Award. Similarly, a student of microbiology bagged the Young Scientist Award at annual meet of Mycological Society of India held at Guru Ghasidas University, Bilaspur, and Best Presentation Award at International Conference on Advances in Biological Sciences at Punjabi University, Patiala. Two of our students have also received the UGC's Savitri Bhai Jyoti Rao Phule Single Girl Child Scholarship. Our Applied Geology Department has brought laurels to this university. Last year, 8 students were finally selected in UPSC Group A service, while more recently, 51 MTech students of Applied Zoology qualified the preliminary exam 2023 for Geoscientist Group A conducted by UPSC. Also, one MTech Applied Geology student has joined in AMD as a Group A officer.
Now, the students always excel under the proper guidance of worthy faculty. I feel proud of our shining faculty members, where four of our teachers were awarded by the Pharmacy Council of India, and they have ranked in world ranking. We have also been recognized as a satellite station for TEC proposal of DST. I feel proud to share that six faculty members of the university could make it to the top 2% scientists of the world in the list prepared by Stanford University and Elsevier, while one faculty member has recently been selected for the prestigious Visitors Award to be given by the President of India. In the current year, what about our placements? In the current year, 15 companies visited the university for campus drive, and process of selection of some companies are in the pipeline. In the current year, 34 students got offer letters, which range from 3 lakhs to 12 lakhs of package, a counseling-oriented discourse on career options in Indian Armed Forces and Indian Coast Guard was very recently organized on 6 March, which was very enthusiastically attended by our NCC cadets. The startup cell of the university is also trying to develop a good ecosystem for budding entrepreneurs. Total 10 activities during the last 3 years were organized, including business idea competitions, and 7 small businesses have been started by our own students. A mega boot camp is also scheduled in the coming 17th to 18th March with the collaboration with MP Startup Center and Atal Incubation Center, Prestige Indore, to nurture the new age entrepreneurs. The university actively participates in all government initiatives, may it be Udnat Bharat Abhiyan, may it be Swachh Bharat Abhiyan, and the year being declared as the International Year of Millets, our efforts in popularizing the move are just in front of you, where we are going to popularize millets as well. We also participated in Nasha Mukt Abhiyan and all activities as given by the Government of India. The above achievements made by the university in this academic year have been made possible by unparalleled determination, cooperation, and hard work of the entire university family, and I owe my gratitude to them. Excellent knowledge, skill, and perfect education always inspire the students to be the future dynamic leaders of their respective professional stream. I am sure that our students have acquired appropriate knowledge for their professional career development. I would like to convey to my students that when you enter a greater social world after getting a degree from here, keep your path illuminated with high ideas of luminaries of our great nation. Move beyond the theoretical path of knowledge and become a responsible, society-friendly citizen of the practical world for sustainable development of the country. In this period, very recently we have also made appointments for 4 new departments: the Center for Studies in Indigenous Knowledge, College of Paramedical Sciences, Vedic Studies and Environmental Science. They have been made, and promotions for 25 faculty members, 1 Assistant Director of Physical Education of Sports have also been accomplished. The advertisements for the posts of associate professors and professors are also out with 150 posts, and for the non-teaching staff, for 140 posts, they have also been advertised. This is to the students, I must say that you are in a university of which you can be proud of. This is a sweet ending. Now today you are going to get your degrees. This is a sweet ending to a new beginning. Heartiest congratulations. Sometimes our students feel disheartened whenever they get failures of any kind. But I must tell you that failure is the condiment that gives success its own flavor. The path does not belong to your parents. The path does not belong to your teachers. The path does not belong to your leaders. But it belongs to you yourself. Your path is your character defining itself more and more every day, like a photograph coming into focus gradually. You are educated. Your certification is in your degree. You may think of it as the ticket to your good life. And this ticket can change the entire world. Nothing is impossible.
nothing is impossible, never say that this is impossible, because in the word itself, it says, I'm possible. I'm possible, not impossible. Last but not the least, I take this opportunity to congratulate all my students who have been embellished with various medals, and this time you are going to get a true gold medal, not a bronze medal. It's a true gold medal this year. You are the glowing icons of this university. Be vibrant, keep smiling. I wish to thank our Honorable Chancellor who is with us. I wish to thank Dr. Pankaj Mittal who is with us. And I believe that you will become the flag bearers of Dr. Hari Singh Gaur Sagar University and will spread the fragrance of this university everywhere we go. Thank you very much. Jai Hind, Jai Gaur. Thank you, Honorable Vice Chancellor, ma'am. Thanks for your inspiring words and blessings showered upon all of us. Now I request Professor Naveen Kongo, Director of Academic Affairs, to present the candidates for award and conferment of their Doctor of Philosophy by Honorable Vice Chancellor. Madam, may I ask the PhD students to rise? Madam, I present unto you the following candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy of various schools, to which I pray those present may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present to the respective degree of Doctor of Philosophy and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Professor Subodh Jain, Dean of Biological Sciences, to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2022 for the postgraduate degree of Master of Science in Zoology, Master of Science in Botany, Master of Science in Microbiology, and Master of Science in Biotechnology, and the graduate degree of Bachelor of Science in the School of Biological Sciences, and who are present in person at the convocation, be admitted to their respective postgraduate and graduate degrees. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourself worthy of the same. I request Professor A.P. Mishra, Dean of School of Chemical Sciences and Technology, to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2022 for the postgraduate degree of Master of Science in Chemistry and the graduate degree of Bachelor of Science in the School of Chemical Sciences and Technology, and who are present in person at the convocation, be admitted to their respective postgraduate and graduate degrees. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degrees and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. Now I invite Professor S.H. Adil, Dean of School of Engineering and Technology, to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2022
for the postgraduate degree of Master of Technology in Applied Geology and Master of Pharmacy in various pharmacy specializations, and graduate degree of Bachelor of Science in Geology and Bachelor of Science in the School of Engineering and Technology, and who are present in person at the convocation, be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. Now I request Professor K.K.N. Sharma, Dean of School of Applied Sciences, to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidate who have been examined and found qualified in the year 2022 for the postgraduate degree of Master of Science in Forensic Science, Master of Arts in Criminology, Master of Science in Geography, Master of Arts in Geography, Master of Science in Anthropology, and Master of Arts in Anthropology, and the graduate degree of Bachelor of Science in the School of Applied Science, and who are present in person at the convocation, be admitted at their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Professor Ashish Verma, Dean of the School of Mathematical and Physical Sciences, to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2022 for the postgraduate degree of Master of Science in Mathematics, Master of Science in Physics, Master of Computer Application in Computer Science and Applications, and the graduate degree of Bachelor of Science in Science, Bachelor in Computer Application in Computer Science and Applications in the School of Mathematical and Physical Sciences, and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I request Professor A.D. Sharma, Dean of the School of Humanities and Social Sciences, to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2022 for the postgraduate degree of Master of Arts in Philosophy, Master of Arts in Sociology, Master of Arts in Social Work, Master of Arts in History, Master of Arts in Ancient Indian History, Culture and Archaeology, Master of Arts in Economics, Master of Arts in Political Science, Master of Arts in Public Administration, Master of Arts in Psychology, and Master of Science in Psychology, and the Master of Arts in various disciplines, and graduate degree of Bachelor of Arts in above subjects in the School of Humanities and Social Sciences, and who are present in person at the convocation, be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here
to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct, you prove yourselves worthy of the same. अब मैं प्रोफेसर चंदाबेन अधिष्ठाता भाषा अध्ययन शाला से अनुरोध करता हूँ कि वे क्रमशः स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को प्रस्तुत करें। महोदया जी, मैं आपके समक्ष उन अभ्यर्थियों को जो भाषा अध्ययनों में स्नातकोत्तर उपाधि हिंदी, स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी, स्नातकोत्तर उपाधि संस्कृत, स्नातकोत्तर उपाधि भाषा विज्ञान एवं स्नातकोत्तर उपाधि उर्दू तथा स्नातक उपाधि हिंदी, स्नातक उपाधि अंग्रेजी, स्नातक उपाधि संस्कृत, स्नातक उपाधि भाषा विज्ञान एवं स्नातक उपाधि उर्दू हेतु 2022 में वर्ष 2022 में भाषा अध्ययन शाला के अंतर्गत परीक्षणोपरांत योग्य पाए गए हैं और जो इस दीक्षांत समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं, उन्हें उनके संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि स्वीकृत किए जाने हेतु प्रस्तुत करती हूँ। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के कुलपति के रूप में प्राप्त अधिकारों का विनियोग करते हुए यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अभ्यर्थियों को उनके स्नातकोत्तर और स्नातक उपाधि के लिए स्वीकृत करती हूँ और आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने जीवन और आचरण में स्वयं को इसके योग्य सिद्ध करें। Now I request Professor B.I. Guru, Dean of a School of Educational Studies, to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2022 for the postgraduate degree of Master of Education, Master of Arts in Adult Education, Master of Arts in Yoga Education, and Master of Science in Yoga Education, and the graduate degree of Bachelor of Education, 4 years integrated program, Bachelor of Arts in Adult Education, and Bachelor of Arts in Yoga Education in the School of Educational Studies, and who are present in person at the convocation, be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Dr. Lalit Mohan, Dean of the School of Arts and Information Sciences, to present candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2022 for the postgraduate degree of Master of Arts, Journalism and Mass Communication, Master of Arts, Music, Master of Performing Arts in Theatre Arts, Master of Library and Information Science, and the graduate degree of Bachelor of Journalism, Bachelor of Fine Arts and Bachelor of Library and Information Science in the School of Arts and Information Sciences, and who are present in person at the convocation be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. Thank you.
Now I request Professor Y.S. Thakur, Dean of School of Commerce and Management, to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2022 for the postgraduate degree of Master of Commerce and Master of Business Administration, and the graduate degree of Bachelor of Commerce and Bachelor of Business Administration in the School of Commerce and Management, and who are present in person at the convocation, be admitted to their respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. Now I again invite Professor Y.S. Thakur, Dean of School of Law, to present the candidates respectively for their postgraduate and graduate degrees. Madam, I present unto you the candidates who have been examined and found qualified in the year 2022 for the postgraduate degree of Master of Law and graduate degree of Bachelor of Laws, 5-year integrated course, and Bachelor of Law in the School of Law, and who are present in person at the convocation, be admitted to the respective postgraduate and graduate degree. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates present here to your postgraduate or graduate degree and charge you that in your life and conduct you prove yourselves worthy of the same. I invite Controller of Examination, Dr. Surendra Gadewar, to request the Honorable Vice Chancellor to admit those students for their respective degrees in absentia. Hello. Madam, I pray that the candidates who have been examined and found qualified for their respective degrees of the Doctor of Philosophy, the postgraduates and the undergraduates in the year 2022 of various schools and who are not present in person at the convocation be admitted to their respective degrees in absentia. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of the Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, I admit the candidates in absentia to their respective degrees and charge them that in their life and conduct they prove themselves worthy of the same. Thank you, Madam. May I now request the dignitaries on the dais to release the convocation souvenir. I now invite Professor A.D. Sharma, Dean Students Welfare, to conduct the proceedings for presentation of University Gold Medals to the meritorious students. Madam, I present before you those students who have secured first position in the merit list of various examinations conducted by the Vishwavidyalaya in the year 2022. I request you
that they be honored with the university medal. May I request our chief guest and Gaur Atithi, Dr. Srimati Pankaj Mittal ji, Honorable Chancellor and Honorable Vice Chancellor to present medals to students. Now I present those stars of the university who have received gold medals in the respective academic programs. I request each one of you to kindly give a big round of applause to these meritorious students. Sagar ke tilgon ke liye taali ke gadgadahat se inki swagat kijiye. Priyansi Kathal, Bachelor of Arts. Aditi Kundir, BA, BEd, 4-year integrated program. Mansi Rathaur, Bachelor of Science. Yukta Vijay Vargiya, BSc BEd, 4-year integrated program. Muskan Soni, LLB. Ishvi Tiwari, BA LLB, 5-year integrated program. Ila Jain, Bachelor of Computer Application. Yash Sharma, Bachelor of Pharmaceutical Science. Birendra Singh, Bachelor of Journalism. Divya Singhai, Bachelor of Fine Arts. Vishwadeep Chakravarti, Master of Pharmacy. Jaya Asati, Master of Business Management and Administration. Yashika Soni, M.Com. Shivam Kumar, Master of Education.
Aditi Upadhyay, Master of Library Science. Akhand Gaurav Singh, Master of Journalism and Mass Communication. Dali Kataria, LLM. Subhangi Okhde, Master of Arts in Hindi. Mahima Moses, Master of Arts in English. Vijendra Singh, Master of Arts in Sanskrit. Lokraj Singh Dangi, Master of Arts in Linguistics. Ivanjay Masih, Master of Arts in Political Science. Abhinav Pandey, Master of Arts in Public Administration. Astha Nath, Master of Arts in Economics. Sakshi Gupta, Master of Arts in History. Shivani Jain, Master of Arts in AIH. Saurabh Lodhi, Master of Arts in Philosophy. Mahima Dwivedi, Master of Arts in Psychology. Prachi Jain, Master of Arts in Rural Development. Tulsi Ram Beldar, Master of Arts in Yogic Science. Ansika Verma, Master of Arts in Sociology.
Ashutosh Srivastav, Master of Arts in Music. Ashutosh Singhai, Master of Performing Arts in Theatre Arts. Pratiksha Rajput, Master of Science in Physics. Johnson Gill, Master of Science in Biotechnology. Pramsi Gupta, Master of Science in Applied Microbiology. Ashutosh Dikshit, Master of Science in Mathematics. Samyak Kumar Jain, Master of Science in Zoology. Mehtab Qureshi, MSc in Chemistry. Mehtab Qureshi, MSc Botany. Kriti Dubey yahan absent hai tumhara nahi. Kriti Dubey, Master of Science in Botany. Surlina Chaudhary, Master of Science in Forensic Science. Purvi Pandey, Master of Science in Geography. Sringarika Khare, Master of Science in Psychology. Diksha, Master of Science in Yogic Science. Harshit Tripathi, Master of Science in Anthropology. Sabha mein upasthit sabhi logon se aagrah hai
कि सागर के इन तिलकों के लिए ताली के गड़गड़ाहट से एक बार इनका स्वागत कीजिए। रुचि जैन, MCA 2 ईयर प्रोग्राम। Once again, I request you to have a round of applause to this meritorious students. I now invite Honorable Chief Guest of today's ceremony, Dr. Pankaj Mittalji, Secretary General, Association of Indian Universities, to deliver the convocation address. Dr. Mittal ma'am. Morning to all of you. The Honorable Chancellor of Dr. Hari Singh Gowd Vishwavidyalay, Professor Balwant Shantilal Jani ji, the Honorable Vice Chancellor of the University, very very dynamic lady, Professor Neelima Gupta ji, Honorable members of the Executive Council, Academic Council, Deans of schools, directors, registrars, faculty members, dignitaries from Sagar City, eminent people who are present here, the persons from the print and the electronic media, and the very, very important people who are present here are the students who have got the degrees today, who have got the medals today, and who have got the first rank certificates today. So very, very dear students. And their proud parents. A very good morning to all of you, and first of all, congratulations to all of you for getting your degrees, for getting your medals, which you have earned after very, very hard work for all these years. So before I begin, when I was coming here, I asked your Honorable Vice Chancellor, should I be speaking in English or Hindi? So she said, I am speaking in English, you can choose your language. So when I got the choice of the language, I thought I should speak in Hindi. Why? Because 3-4 years back, I heard a poem from Pritam Singh Pritam. Just 2 lines I will tell you. After that, I decided ki jahan audience aisa hai jisko Hindi samajh mein aata hai, wahan pe Hindi mein bolungi. Par pehle English mein isliye bhi bolna padta hai ki batana padta hai ki English aati hai. पर हिंदी इज़ माई प्रेफर्ड लैंग्वेज. सो जो दो लाइनें थी वो क्या थी, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, कि तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में. तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में. हस्ताक्षर भी करते हो एक विदेशी भाषा में. तो जब मैंने ये 2 लाइनें पढ़ी तो मैंने सोचा कि जहाँ जहाँ चॉइस मिलेगा ना, जहाँ चॉइस नहीं मिलेगा वहाँ तो इंग्लिश में बात करना ही पड़ेगा, पर जहाँ चॉइस मिलेगा तो हिंदी में बात करूँगी. पर इशू ये भी है क्योंकि इतने सालों से इंग्लिश में बात करें तो बीच बीच में इंग्लिश आ ही जाएगी, तो इंग्लिश आ जाएगी, पर मेरा थ्रस्ट रहेगा कि मैं आप लोगों से हिंदी से बात करूँ, क्योंकि हिंदी में दिल से दिल की बात होती है, क्योंकि इंग्लिश में तो तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दी ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ. मुझे यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया, मुझे आई एम सो हम्बल्ड. मुझे लगता नहीं कि मैं चीफ गेस्ट ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लायक थी, पर उन्होंने मुझे ये मान सम्मान दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी यूनिवर्सिटी 1946 में बनी थी, 2009 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, तो 1946 मतलब कि आज़ादी से भी 1 साल पहले, और हम अब देश में अमृत काल मना रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी का अमृत काल तो उससे भी पहले शुरू हो गया.
तो आपकी यूनिवर्सिटी इस समय अमृत काल से गुजर रही है और उस समय पे आपके पास इस तरह की वाइस चांसलर हैं जो कि इस अमृत काल का भरपूर फायदा उठाएंगी और यूनिवर्सिटी को कहीं से कहीं पहुंचा देंगी। मेरी कल ही उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी हम ए ग्रेड हैं पर मेरा टारगेट है ए डबल प्लस, नथिंग लेस देन दैट। तो मुझे ऐसा लगता है और जितना मैंने यूनिवर्सिटी को देखा, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी, इतनी साफ़ सुथरी यूनिवर्सिटी, इतनी ग्रीन यूनिवर्सिटी, इतनी डिसिप्लिनड यूनिवर्सिटी, तो मुझे लगता है कि ए प्लस प्लस आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जब ये अपनी रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि एचआरडीसी की किस तरह से इन्होंने डिजिटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मूक्स कोर्सेज, स्वयं प्रभा, मैं खुद जब मैं यूजीसी में थी तो मूक्स प्रोग्राम को देखती थी और मुझे लगता था उस समय कि मूक्स कैसे चलाएंगे पूरे देश में, क्योंकि बहुत सारी बड़ी ऐसा होता था कि टीचर्स ये कहते थे कि हम क्लास को तो पढ़ा सकते हैं पर कैमरे को पढ़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कैमरा रिस्पॉन्स नहीं देता। क्लास में समझ में आता है, बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, आई कॉन्टैक्ट रहता है, कैमरे में तो कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ एक मशीन को सामने रख के पढ़ाना पड़ता है। तो हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज करनी पड़ी कि हमारे बेस्ट टीचर्स भी कैमरे को पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी उनको पढ़ाएं। सो प्राउड कि आपकी यूनिवर्सिटी ने इतने सारे मूक्स कोर्सेज, इतने सारे प्रोग्राम्स डिजिटल में और स्वयं प्रभाव में डाले। तो क्रेडिट गोज़ टू लीडरशिप ऑफ नीलिमा जी एंड टू ऑल दी फैकल्टी मेंबर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू दीज थिंग्स। एंड आई वाज आल्सो सीइंग कि नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, इन रिसर्च यू आर डूइंग वेरी वेल, इंक्लूडिंग द यंग साइंटिस्ट अवार्ड, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ रिसर्च ग्रांट्स यू आर गेटिंग, 2.5 करोड़ का तो आपको पिछले साल ही ग्रांट मिला है रिसर्च ग्रांट्स ओवर एंड अबव, मतलब प्रोजेक्ट्स के थ्रू। आपके कल्चर में बहुत अच्छा है, आपका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्रेडिट उनको भी जाता है जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, मैं उनको नमन करती हूँ। आई बो माई हेड बिफोर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी जो कि एक विजनरी ल्यूमिनरी फिलेंथ्रोपिस्ट, जिन्होंने अपने खुद के पैसे से ये यूनिवर्सिटी खड़ी की और उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाया। तो आई रियली एडमायर द स्पिरिट ऑफ डॉक्टर हरि सिंह गौर जी। अब मैं बात करना मतलब आप जो लोग अभी इस समय आपको जो डिग्री मिल रहा है तो दिस इज़ अ वेरी वेरी अपॉर्चून मोमेंट। अपॉर्चून मतलब कोई बहुत खास है, किन वजहों से खास है आज आपकी डिग्री? पांच वजहें मैंने सोची कि सबसे पहली कि आपका अमृतकाल है, यूनिवर्सिटी का भी देश का भी, तो अमृतकाल में इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बहुत जल्दी 4th होने वाली है और थोड़े ही समय में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, तो अमृतकाल के समय में आपको ये यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है। दूसरा, आपको ये डिग्री मिल रही है जब NEP 2020 आ गया, क्योंकि NEP वी वर वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम 1986 के बाद, ये नेक्स्ट 34 ईयर्स के बाद नई पॉलिसी आई है और इस पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि पूरा पैराडाइम ही बदल देगा एजुकेशन का। तीसरा, पोस्ट कोविड जो ये डिजिटल लिटरेसी या डिजिटाइजेशन हुआ स्पेशली इन द हायर एजुकेशन सेक्टर, उसने भी पूरा पैराडाइम ही बदल दिया। चौथा, G20, इस साल हम G20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी अपॉर्चून मूवमेंट फॉर द कंट्री की G20 की प्रेसिडेंसी। आपने देखा होगा एटलीस्ट हम लोग दिल्ली में है तो डेली इन G20 नेशन से बहुत सारे लोग आते हैं और हम खुद भी AIU की तरफ से एक U20 करने जा रहे हैं पूना में, जिसमें G20 नेशंस के वाइस चांसलर्स को इन्वाइट करेंगे कि आइए हमारी यूनिवर्सिटीज़ देखिए, भारत के पास भी बहुत क्षमता है आपको बहुत कुछ देने की। तो उनको अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम को शोकेस करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे जिससे कि एक दूसरे से हम सीखें। और पांचवा, मुझे लगता है कि इस समय हमारे जो बच्चे हैं उनकी एस्पायरेशंस बहुत भारी हैं, मतलब आफ्टर दिस G20, आफ्टर दिस NEP 2020, आफ्टर इन दिस अमृत काल, इन आफ्टर पोस्ट कोविड एस्पायरेशंस बहुत हाई हैं क्योंकि बिल्कुल ही तरीके बदल गए हैं एस्पायरेशंस। और हमारे बच्चे क्या चाहते हैं? दे वॉन्ट टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। उनको पता है कि अगर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स नहीं रहे तो ChatGPT कर लेगा सारे काम जो हम करते हैं, है ना? तो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, दे वॉन्ट टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर्स। वो चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर बने और सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स बने कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं, किसी भी फील्ड में हम सॉल्यूशंस ढूंढ पाएं। इसीलिए मल्टीडिसिप्लिनरी की बात हो रही है NEP में। दे वॉन्ट टू टेक चैलेंजेस, ऐसा नहीं कि एक सिक्योर जॉब ले लिया उसी में बैठे रहे। दे वॉन्ट टू टेक चैलेंजेस, दे वॉन्ट टू टेक रिस्क, दे वॉन्ट टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। ये हमारे बच्चों की एस्पायरेशंस हैं। दे वॉन्ट टू बी इनोवेटिव, दे वॉन्ट टू बी क्रिएटिव, दे वॉन्ट टू प्रोग्रेस वेरी फास्ट, दे वॉन्ट टू वर्क इन अ टीम एंड देन इवेंचुअली बिकम अ टीम लीडर, एंड अबव ऑल
दे वॉन्ट टू बी गुड ह्यूमन बींग्स. तो इन सबको, इन सारी एस्पायरेशंस जो बच्चों की है, उसको पूरा करने का काम कौन करेगा? यूनिवर्सिटीज़ करेंगी. पर NEP 2020 का उसमें बहुत बड़ा योगदान है. कैसे? मुझे याद आता है कि करीब 100 साल से भी पहले आइंस्टाइन ने अपने बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर दिया, 1905 में क्वेश्चन पेपर दिया. और जैसे ही क्वेश्चन पेपर खोला तो टीचिंग असिस्टेंट ने वो क्वेश्चन पेपर देखा और वो वापस आए दौड़े दौड़े आइंस्टाइन के पास कि सर कुछ गड़बड़ हो गया है. हिसेस क्या हुआ? हिसेस सर कुछ गलत क्वेश्चन पेपर हो गया. कहते कैसे? हिसेस सर इन्हीं बच्चों को पिछले साल भी हमने यही पेपर दिया था. तो आइंस्टाइन मुस्कराए, कहते हैं कोई गलती नहीं हुई है, क्वेश्चन आर द सेम बट द आंसर्स आर डिफरेंट. कैसे? क्योंकि 1904 में आइंस्टाइन ने चार पेपर्स पब्लिश किए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, उसको बोलते हैं एनल्स ऑफ फिजिक्स एजुकेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, ब्राउनियन मिशन पे, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वो सब कर रहे थे. तो क्वेश्चन मतलब टोटल पैराडाइम ऑफ फिजिक्स एजुकेशन बदल गया था. तो क्वेश्चन सेम थे, आंसर्स डिफरेंट थे. वो देखना चाहते थे कि हमारे बच्चों ने उन पेपर्स को पढ़ा, उनको आत्मसात किया, समझा, तो तभी वो नए आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे. क्वेश्चन वर द सेम, आंसर्स वर डिफरेंट. सिमिलरली बिफोर NEP 2020 एंड आफ्टर NEP 2020 क्वेश्चंस आर द सेम बट आंसर्स बदल गए हैं. क्वेश्चंस क्या है? क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करना है, टोटली आंसर्स बदल गए, बिल्कुल आंसर्स बदल गए. फॉर एग्जांपल क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच. व्हाट टू टीच में हम, आप में से कितने लोगों को ChatGPT पता है? तो ChatGPT में अगर मैं कहूँ कि मुझे आज एक कॉन्वोकेशन एड्रेस देना है, मेरी कॉन्वोकेशन एड्रेस की स्पीच दे दो, तो एक मिनट में टक टक करके दो मिनट में पूरी स्पीच लिखी हुई आ जाएगी. अगर मुझे ये करना हो कि सी लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोडिंग करनी है, एक मिनट में कोडिंग आ जाएगी. अब उसका कंपटीशन में एक बार आ रहा है. और अब एक सारे जितने भी ChatGPT टाइप हैं AI बेस्ड सॉल्यूशन, उनके ऊपर एक AI बेस्ड सॉल्यूशन आ रहा है जो इन सब में से ले लेके एक नया सॉल्यूशन देगा. तो आपको क्या लगता है कि अगर हम जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग में रहेंगे तो हमें ChatGPT जैसी, मतलब टोटली नहीं करेगा पर काफ़ी हद तक ओवर पावर कर लेगा. तो हमें बिल्कुल टोटली, मतलब जो नई टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्रिप्टो करेंसी है, ड्रोन्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, स्पेस टूरिज्म है. अब तो लोग, पहले विदेशों में टूरिज्म की बात होती थी, अब स्पेस टूरिज्म की बात हो रही है, रोबोटिक्स है. तो इन सब में बिल्कुल टोटल, आई मीन द वे वी वर्क विल बी टोटली चेंजिंग. तो व्हाट वी टीच हैज टू चेंज. अगर यूनिवर्सिटीज़ ने जल्दी जल्दी अपना करिकुलम चेंज नहीं किया तो बाय द टाइम बच्चा पास आउट करेगा वो सिलेबस ऑब्सलीट हो जाएगा. तो इसलिए पहले कहा करते थे 5 साल में बदलो, 3 साल में बदलो, अब तो ऐसा लग रहा है कि हर साल में सेमेस्टर करिकुलम चेंज करना पड़ेगा. जिस तरीके से जिस स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं. और दूसरी दिक्कत इस समय यह भी है कि पहले हम कहते थे कि वी आर प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर. नाउ फ्यूचर इट्सेल्फ इज सो अनसर्टेन कि हमें पता ही नहीं फ्यूचर क्या है, तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें. तो इसलिए व्हाट टू टीच हैज टू चेंज वेरी वेरी ड्रामेटिकली. सेकेंड क्वेश्चन आता है हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाएं. गॉन आर द डेज जब हम ये कहते थे कि क्लास में आके टीचर्स एक लेक्चर देंगे, बच्चे समझेंगे, घर में जाके उसको आत्मसात करेंगे. अब नाउ इट इज़ टोटली डिफरेंट. इट इज़ ए फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल जो कि NEP में भी रिकमेंड किया है कि NEP, मतलब हमारे देशों में क्या होता था, बच्चे क्लास में पढ़ते थे, घर में जाके उसके ऊपर मनन करते थे. बाहर के देशों में बच्चे घर से पढ़ के आते थे, क्लास में मनन होता था. कैसे? कि बच्चों को जो भी क्लास में पढ़ाना है उसका वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियोस पहले दिया जाता था. और क्लास में क्या होता था, सिर्फ डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग, रैशनलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो उससे समझ, मीन्स एप्लीकेशन ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल समझ ज़्यादा आती थी और ज़्यादा अच्छा तरीका माना जाता था. अब यही इधर भी माना जाएगा. इसीलिए जो स्वयं कोर्सेज हैं, दे आर वर्किंग लाइक ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, कि बच्चों को टीचर्स पहले ही ऑडियोज, वीडियोस या टेक्स्ट मटेरियल, कुछ भी जो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए चाहिए वो देंगे और बच्चे क्लास में खाली डिस्कशन करेंगे. मतलब द वे ऑफ टीचिंग इज गोइंग टू चेंज. तो टीचर विल, आई मीन जो रोल है टीचर का, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर से बदल के हो जाएगा फैसिलिटेटर. मतलब द टीचर विल हेल्प द स्टूडेंट्स कि आपको कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं जो कि आपको पढ़ के आने हैं और जिसके बेसिस पे हम आगे आपको क्लास में पढ़ाएंगे. तो जो डिजिटाइजेशन है, जिस तरीके से ये आ रहा है कि हाँ कितने, जैसे कई बार मैं बच्चों को कहती हूँ कि अगर आपको IIT में एडमिशन नहीं मिला तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि IIT के प्रोफेसर
आपके घर पे आपको पढ़ाने आएंगे, आपके कन्वीनियंट टाइम पे, आपके लैपटॉप पे, क्योंकि जितने भी आईआईटी के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स हैं जो कि वो आईआईटीज में देते हैं, दे आर ऑल कन्वर्टेड इनटू वीडियो लेक्चर्स, दे आर अवेलेबल इन एनपीटेल, एक है एनपीटेल में वो सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। एडेक्स में इतने सारे, मतलब इतने सारे जो रिसोर्स मटीरियल है, मुझे याद है कि एक आई एम बेंगलोर में हमारी वर्कशॉप थी, उसमें अनंत अग्रवाल आए थे, हु इज़ द सीईओ ऑफ एडेक्स। ही सेज कि एक बारी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था तो एक बच्चा आया दौड़ दौड़ के, उसने आके मेरे पैर छुए, तो मैंने कहा बेटे तुम कौन हो? ही सेज सर मुझे आपकी वजह से नौकरी मिल गई। तो उसने कहा पर मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। ही सेज सर मैंने एडेक्स से 10 कोर्सेज किए और जब मैं इंटरव्यू में गया तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, मेरी यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं थी पर मुझे नौकरी मिल गई क्योंकि मेरा नॉलेज बेस, मेरा स्किल बेस उन सबसे ज़्यादा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले समय में जो नौकरियां मिलेंगी वो डिग्रियों से नहीं मिलेंगी, आपकी नॉलेज बेस से मिलेंगी कि आपको आता कितना है। तो इसलिए इट इज़ इम्पेरेटिव कि आप सबके सब लोग अपनी नॉलेज बेस ऑफ ABC की, जो अभी मैडम बात कर रही थी कि ABC में इस यूनिवर्सिटी के 3000 बच्चों ने एनरोल किया है, तो ABC डिग्री मिलने के बाद ख़त्म नहीं होगा, आपका ABC में अकाउंट रहेगा। और ABC में अकाउंट रहेगा का मतलब क्या है कि आपको उस अकाउंट के तहत आपने कहीं से भी कोई भी कोर्स किया है, कोर्स और प्रोग्राम में फ़र्क है। प्रोग्राम मतलब पूरा BA BSc BCom जिसके लिए आपको डिग्रीज मिली हैं, कोर्स मतलब हर प्रोग्राम में जो पेपर्स होते हैं, लाइक BSc में अगर 16 पेपर है तो 16 कोर्सेज होंगे। तो आपको जो भी कोर्स करना है, जो भी पढ़ना है, आगे पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज बेस बढ़ाते रहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में कंटिन्यूसली लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग सभी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर, बिल्कुल टोटली बदलेगा। सिमिलरली तीसरी बात कि कैसे असेस एंड इवेल्यूएट करना है, गॉन आर द डेज जिसमें 3 घंटे का पेपर होता था और उसके बेसिस पे बच्चों को इवेल्यूएट किया जाता था। कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन थ्रू आउट द सेमेस्टर एंड दैट टू बाय मल्टीपल वेज, खाली पेपर नहीं देना है उसको, ज्वाइंट ग्रुप डिस्कशंस होगा, क्विजेज होंगी, फेस टू फेस इंटरव्यूज होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, मल्टीपल वेज से बच्चों को कैसे असेस एंड इवेल्यूएट करना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि NEP के पहले और बाद में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे बच्चों का असेस एंड इवेल्यूएट करना है, टोटल बदल गया है और टीचर्स का रोल और भी ज़्यादा बदल गया है। एक स्टोरी सुनाती हूँ, अगेन दिस इज सपोज टू बी ए डायलॉग बिटवीन नील बोर एंड रदरफोर्ड। इट्स कि टीचर ने वाइवा में स्टूडेंट से पूछा कि हमें एक बैरोमीटर को लेके इस टावर की हाइट नापनी है। आई एम टेलिंग स्टोरीज क्योंकि स्टोरी से ज़्यादा जल्दी बात समझ में आती है। तो उन्होंने कहा कि इस टावर की हाइट नापनी है यूजिंग दिस बैरोमीटर, हाउ विल यू डू इट? तो स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं ऐसा करूँगा, टावर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसे बैरोमीटर से निशान लगाता जाऊँगा और हाइट ऑफ द बैरोमीटर इनटू द नंबर ऑफ निशान विल बी द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो टीचर ने सुना, उसने कहा कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे निशान लगाता रहूँ बैरोमीटर से और उससे तो मेजर करोगे, कोई और तरीका बताओ। उसने कहा सर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं ऐसा करूँगा, बैरोमीटर को धागे से बांधूंगा, टावर के टॉप में जाऊंगा, नीचे लटका दूंगा, जैसे टच करेगा वापस ले लूंगा, लेंथ ऑफ द थ्रेड विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। अब टीचर को नाराजगी हुई, टीचर ने कहा कि तुम्हारे पास कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है? तो उसने कहा कि सर फिर मैं ऐसा कर लूंगा कि ऊपर जाके बैरोमीटर को नीचे फेंकूंगा, एक स्टॉप वॉच हाथ में लूंगा और वो फॉर्मूला है ना S=UT + ½AT², वो लगाऊंगा तो S जो डिस्टेंस है उससे मिल जाएगा मुझे हाइट ऑफ द टावर। अब टीचर को बहुत गुस्सा आने शुरू, क्योंकि उसके जो दिमाग में आंसर है ना वो बच्चा नहीं दे रहा। तो वो कह रहा है कि आई वांट माय बैरोमीटर बैक, इससे तो मेरा बैरोमीटर ही टूट जाएगा। तो S=UT + ½AT² में तुमने मतलब साइंस तो लगा दी पर मेरा बैरोमीटर तो टूट गया ना। तो उसने कहा कि सर फिर मैं ऐसे करूँगा, किसी धूप वाले दिन पे बैरोमीटर को ऐसे खड़ा करूँगा, उसकी शेडो देखूँगा, टावर की शेडो देखूँगा, रेशियो प्रोपोर्शन लगाऊँगा, हाइट ऑफ द टावर बता दूंगा। अब टीचर को बहुत गुस्सा आने लग गया, कह रहा कि अगर धूप नहीं हुई तो, छाया हुई तो फिर कैसे निकालोगे हाइट ऑफ द टावर यूजिंग द बैरोमीटर? इसे सर अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ना तो मैं ऐसा करूँगा, नीचे एयर प्रेशर देखूंगा बैरोमीटर में, ऊपर जाऊँगा एयर प्रेशर देखूंगा, तो डिफरेंस इन द एयर प्रेशर विल टेल मी कि हाइट ऑफ द टावर क्या है। तो टीचर ने कहा जब तुम्हें आंसर पता था तो पहली बार में क्यों नहीं बता दिया? तो उसने कहा सर आई वॉन्टेड टू टेल यू देर आर 5 अदर आंसर्स। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि टीचर्स का जो रोल है बिल्कुल बदल जाएगा, जो ये हम चाहते हैं ना अभी कि जो मेरे दिमाग में आंसर है वही बच्चा लिखे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो टीचर विल बी वर्किंग लाइक ए फैसिलिटेटर। और आज की डेट पे तो ये भी है, लाइक जब ABC आ जाएगा तो कोर्सेज में एडमिशन होगा,
मतलब प्रोग्राम रूट तो चलेगा ही चलेगा, कोर्सेज पर एडमिशन होगा, एंड विच कोर्स विल बी मोर पॉपुलर, द कोर्सेज विच आर टॉट बाय द बेस्ट टीचर। तो टीचर्स का इवेल्यूएशन इससे होगा कि तुम्हारे कोर्सेज में कितने टीचर्स आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब मे बी ज़्यादा दूर ना हो, 10-20 ईयर्स में ही आ जाए। जैसे लता मंगेशकर थी, लता मंगेशकर शी यूज़ टू गेट ए मंथली सैलरी, और उस मंथली सैलरी के अगेंस्ट शी यूज़ टू सिंग सॉन्ग्स। आज की डेट पे आप छोटा सा एक्टर भी मंथली सैलरी पे अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे सॉन्ग वाइज पैसा दो, या एपिसोड वाइज दो, या फिल्म वाइज दो, मतलब दे विल टेक मनी अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। सिमिलरली हमारे यहाँ लॉ के ग्रेजुएट्स भी हैं, कैन यू थिंक ऑफ ए लॉयर ऑन ए मंथली सैलरी? नो, जैसे केस वाइज पैसा दो, राजा हेयरिंग वाइज पैसा दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सिमिलरली इन फ्यूचर टीचर्स विल रिफ्यूज टू बी अपॉइंटेड ऑन ए मंथली सैलरी, देन से आई विल टीच कोर्सेज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो मेरे को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि आई एम ए गुड टीचर, मैनी स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माई कोर्सेज, और बच्चे टीचर को देख के कोर्सेज ज्वाइन करेंगे, ना कि यूनिवर्सिटी को देख के। दे कैन बी गुड टीचर्स इन बैड यूनिवर्सिटीज एंड बैड टीचर्स इन गुड यूनिवर्सिटीज। तो इसलिए टीचर्स का बिल्कुल मतलब वॉट आई वॉन्ट टू से इज कि टीचर्स को अपना बिल्कुल रोल जो है ना सोच लेना चाहिए कि हमें कैसा कैसा करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल बदलने वाला है। इट इज़ हाई टाइम दैट वी ऑल चेंज। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने सोचा आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ ये सारी बातें बताती हूँ। तो फाइनली मुझे ये पता है कि NEP आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर रही है, और NEP में इंप्लीमेंटेशन में हम खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग विश्वगुरु हो जाएंगे अगर NEP लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट हुई, और आपकी यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन इन बिकमिंग ए विश्वगुरु विल बी वेरी गुड। सो थैंक्स टू प्रोफेसर नीलिमा जी, थैंक्स टू द फैकल्टी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स वंस अगेन। आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर अहेड है। एक दो लाइनों से करती हूँ अपनी बात ख़त्म अगेन हिंदी की, कि खाली इस डिग्री से कुछ नहीं होगा। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको हौसले रखने हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स। और अब आगे बढ़ते हैं। दीक्षांत समारोह के गौर अतिथि माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन, आज मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में व्यस्त होने की वजह से इस समारोह में उपस्थित नहीं हो सके हैं, जिसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार से खेद व्यक्त किया है। उन्होंने दीक्षांत समारोह के लिए अपना शुभकामना संदेश इस वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रेषित किया है। प्रिय मित्रों, यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष खुशी का विषय है कि प्रिय मित्रों मेरा सागर विश्वविद्यालय, यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष खुशी का विषय है कि मेरा सागर विश्वविद्यालय अपना 31वां दीक्षांत समारोह मना रहा है। हमारा यह विश्वविद्यालय, चूंकि मैं इसका छात्र रहा हूं, मधुर स्मृतियां जहां मेरे मन में समेटे हुए हैं, वहीं हमारे समस्त बुंदेलखंड नहीं बल्कि प्रादेशिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह ऐसे अनेक छात्रों के मन में, ऐसे लाखों छात्रों के मन में अपनी स्मृतियां समेटे हुए हैं जिन्होंने इसे शिक्षा प्राप्त की है। हम सभी जानते हैं कि यह विश्वविद्यालय हमारे महान शिक्षाविद और विधिवेत्ता डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के महादान की एक अद्वितीय कथा है। मेरा मानना है कि दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होना और उपाधि प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन का एक गौरवशाली क्षण होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दीक्षांत का अर्थ शिक्षा का अंत नहीं,
अपितु अर्जित ज्ञान की मानवीय एवं सामाजिक भूमिका का व्यवहारिक आरंभ है। मुझे बताया गया कि इस दीक्षांत समारोह में 54 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय मेडल मिल रहे हैं, जबकि CBCS प्रणाली के 11 अध्ययन शालाओं में स्नातक के 439, पोस्ट ग्रेजुएट के 399 और PhD के 28 विद्यार्थियों सहित कुल 866 विद्यार्थी उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में अपनी उपाधि प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त 187 विद्यार्थियों को इन अवशेषी उपाधि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कुल 1053 छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। मैं समस्त पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले होनहार विद्यार्थियों को बधाई के साथ उनके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर विशेष रूप से दिल्ली से पधारी डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी, जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव हैं, उनके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत शांतिलाल जी जानी जी, कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, विश्वविद्यालय कुलसचिव श्री संतोष सोहगोरा जी, विश्वविद्यालय के समस्त आदरणीय शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समस्त अतिथिगण, मीडिया जगत से पधारे हुए हमारे सभी पत्रकार बंधुओं और प्यारे विद्यार्थियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप सभी को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज मंगलवार को भी हमारा सत्र चलेगा। आज हमारी सुबह 10 बजे से कैबिनेट भी है। इसके अलावा 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें बजट पर भी चर्चा होगी, मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अभिभाषण का उत्तर भी है। इसके अलावा अनेकों आवश्यक कार्य हैं। इस कारण से मैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी के बीच में उपस्थित होने में समर्थ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा दिल इस कार्यक्रम के साथ है, क्योंकि मैं कभी पूर्व विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, तो मेरी आत्मा, मेरी भावना, मेरी स्मृतियां इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। आगे कभी भी अवसर मिला तो निश्चित रूप से आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप सबके लिए मेरी पुनः शुभकामनाएं इस 31वें दीक्षांत समारोह के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। के लिए हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस गरिमामयी समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर बलवंत राय शांतिलाल जानी जी, कुलाधिपति डॉक्टर हरि सिंगौर विश्वविद्यालय से, अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए विनम्र आग्रह करता हूं। ऐसे विद्याकीय शिष्टबद्ध और संस्कार निष्ठ वातावरण में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय का 31वां पदवीदान समारंभ संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके पूरे भारत की जो यूनिवर्सिटीज है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ जिसकी प्रधान सचिव है और बहुत समय से, कितने साढ़े चार दशक से जो भारतीय शैक्षिक संगठनात्मक प्रवृत्ति, भारतीय विद्या की प्रवृत्ति और भारतीय उच्च शिक्षा में गुणांकन कैसे बढ़ाया जाए, गुणात्मक कैसे बढ़ाया जाए, उनके लिए सतत निरंतर क्रियाशील ऐसी मातृशक्ति आदरणीय डॉक्टर पंकज मित्तल जी और हमारी कुलगुरु
चिरंतन नित्य बहुत ऊर्जा के साथ यूनिवर्सिटी के विकास के लिए, यूनिवर्सिटी में विद्या के वातावरण बने इसके लिए न सिर्फ चिंतन करने वाली, क्रियाकलाप के द्वारा, क्रियाकलाप के माध्यम से अर्थपूर्ण परिणाम जो हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसी हमारी कुलगुरु आदरणीय डॉक्टर नीलिमा जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय नवीन कोंगो जी, हमारे रजिस्ट्रार संतोष जी और विभिन्न विद्या शाखा के डीन है, जो प्राध्यापक है, अध्यक्ष है और बहुत सारे इस यूनिवर्सिटी में विद्या की प्रवृत्ति से जुड़े हुए, संशोधन से जुड़े हुए प्रबुद्ध शिक्षा वर्ग, अध्यापक बंधु भगिनी और आज जिन्होंने न सिर्फ पदवी ली है लेकिन सुवर्ण पदक से जो विभूषित हुए हैं, उच्च गुणांकन प्राप्त करके क्वालिटेटिव एजुकेशन के दृष्टा के रूप में, आदर्श के रूप में जिन्होंने यहाँ से आदरणीय पंकज जी से करकमलों से सुवर्ण पदक लिया है, ऐसे सभी सुवर्ण पदक विभूषित बंधु भगिनी और सारे विद्यार्थी समुदाय, और साथ ही कहूँगा कई पत्रकार बंधु भगिनी बैठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी हैं, इतने सारे लोग इस समारंभ में बैठे हैं और उनके सामने दो वक्तव्य तो हो गए। हमारे कुलगुरु ने जो बात बताई इससे पता लगा हमको कि हम कहाँ हैं, कहाँ थे, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किस गति से आगे बढ़ रहे हैं, इतना ही नहीं भारतीय दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं कहूँगा कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय विकास कर रहा है, विकासशील है, लेकिन भारतीय दृष्टि बिंदु से, भारतीय दृष्टिकोण से वो आगे बढ़ रहा है, इस राष्ट्र की बड़ी शान है। सबसे बड़ा तो मुझे ये अच्छा लगा, ये हमारे पोशाक तो है, बुंदेलखंडी वातावरण बन रहा है, बुंदेलखंड की अस्मिता बढ़ रही है, बुंदेलखंडी अस्मिता छा गई है। लेकिन आज इनके साथ, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए मिलेट्स के नाम, हमको क्या खाना है तंदुरुस्ती के लिए, भारतीय प्रज्ञा को सतेज बना के लिए हमारा आहार कैसा होना चाहिए, ये बात की चिंता कौन करेंगे। प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया लेकिन मैंने देखा कुल माता ने, कुल गुरु ने आज जो हमें किट दी है उसमें ये पैम्फलेट दिया है मिलेट्स के बारे में। सात धाम, भारतीय प्रज्ञा, भारतीय शारीरिक सौष्ठवता और भारतीय मेधा को बढ़ाने वाले कुछ है तो ये भारतीय खाद्यान्न है, पूरे विश्व ने माना, संसद में तो परोसे रहे हैं। इस तरफ आपका अंगुली निर्देश कब करना, आपको क्लासरूम में भी बता सकती थी, उसके लिए कोई सेमिनार भी रख सकती थी, नहीं, लेकिन ठीक समय चुनकर पदवीदान समारंभ पर आपको खाद्यान्न की गवेषणा ही नहीं, खाद्यान्न की जो लाभालाभ है उनका दान रही है, वो कुलपति को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसे कहा। हमारी संस्कृति में है, लग्न हो, किसी के निधन का क्रियाकलाप रिचुअल्स हो और कोई मकान का भवन हो तब वहां सात धान रखते हैं। आज भी गांव में देखेंगे तो सात धान पंडित जी बोलेंगे, कुछ नहीं तो आप कुछ भी रख देते हो, पंडित जी भी कुछ कहते नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सात धान की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है, हम जंक फूड पर चले गए हैं। ऐसा नहीं कहा कि जंक फूड छोड़ो, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा क्या खाओ। कुलगुरु ने बहुत
आर्टिस्टिक रूप से बहुत सौंदर्यमयता से हमारे सामने पदवीदान समारंभ ये विचार दान दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे यूनिवर्सिटी के जन्मदाता ही नहीं, उनके उद्गाता ही नहीं, यहां उनकी स्थापना, यहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले डॉक्टर हरि सिंह गौड़, वैसे तुरंत स्थापित नहीं कर दी उन्होंने, क्यों आज गौर प्रस्तुत है? आज भी इतने सालों के बाद ये भूमिदान दे दिया, यूनिवर्सिटी बनाई, इसलिए नहीं, पूरे भारत में सब लोग याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? और आज पदवीदान के समय पर ये क्यों प्रासंगिक है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा विचार खोजा उनके क्रियाकलाप में से। आप ही सब जानते हो उनकी जीवनी, उनका पूरा ब्यौरा आपके पास है, लेकिन मैंने देखा कि इस समय में अंग्रेजियत की बोलबाला थी, अंग्रेज शासकों की बोलबाला थी, अंग्रेज शासकों छाए हुए थे, हमारे लोग थे, मदन मोहन मालवीय थे, विवेकानंद जी का विचार सब था, राजकीय क्रियाकलाप पर भी लोग बहुत थे। ऐसे समय में नेहरू जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रारूप बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए, ऑर्डिनेंस बना के लिए उनको चुना, क्यों? Why? क्योंकि उस समय सबको लगता था संविधान सभा हो, विधानसभा हो, कोई जनमंच हो, या तो जाहिर कोई कमेटी की बैठक हो, उसमें हरि सिंह गौर अपनी भारतीयता से, सबर सोच से, भारतीय ज्ञान परंपरा से अनुप्राणित अपने विचार रखते थे। उस समय पर आवश्यकता थी अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी समझने वाले, अंग्रेजियों के साथ संबंध वाले, लेकिन भारतीय परंपरा से अनुप्राणित नागरिक की तरफ लोगों की नजर थी। उसमें ऐसे एक हमारे सिंह पुरुष कहे, हमारे लोह पुरुष कहे, हमारे भगीरथ कहे, ऐसे कोई लगा तो जवाहरलाल नेहरू को, सबको हरि सिंह गौर। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय बन गई थी यूनिवर्सिटी, तो अंग्रेजों ने कलकत्ता में अरेबिक यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, काशी में संस्कृत यूनिवर्सिटी भी स्थापित की थी। ऐसे समय में जब यहां यूनिवर्सिटी स्थापित करनी थी तब उनको चुना गया, और उन्होंने ये हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी मदन मोहन मालवीय ने बनाई। उनके सामने मॉडल क्या था? अंग्रेजी मॉडल था, कॉलोनियल मॉडल था, लेकिन ये हरि सिंह गौर दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जब क्रियाशील हुए तो उन्होंने वहां भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। पहली बार खंड खंड में, प्रदेश प्रदेश में विभाजित भारत को एकता और एकात्मता दिलाने वाली भाषा है ये बात बताने वाला हरि सिंह गौर है। आज हम जो बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, नीति क्यों उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, राष्ट्रीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो थी, ये सिस्टम की पुनः प्रतिष्ठा करने वाली शिक्षा नीति है, और हरि सिंह गौर ने उस समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से की, सफलता से सुचारू रूप से चलाया भी, एक सत्र नहीं, दो सत्र नहीं, खास किस्सा से तीसरे सत्र में भी उनको कुलपति के रूप में वहां रखा, और एक आदर्श मॉडल विश्वविद्यालय बन गया। बाद में भी उनको नागपुर भेजा, नागपुर उन्होंने वहां जाकर पहली बार बताया कि इस राष्ट्र का केंद्र बिंदु है, स्थान है वो नागपुर है। सब लोग अंग्रेजों तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास सब मानते थे, उन्होंने स्थापित किया कि मध्य बिंदु नागपुर है, ये नागपुर में यूनिवर्सिटी बन रही है, ऐसी बनेगी। वहां भी दो सत्र तक अपने कारकिर्दी के 16 साल
17 साल विद्या के वातावरण में उन्होंने दिया। बाद में यहां आकर उन्होंने सोचा कि मेरे गांव में, मेरे नगर में राष्ट्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा आदर्श केंद्र मुझे बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह कहा गया है, मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस समय की है, लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से अनुप्राणित है। लेकिन ऐसे भारतीय ज्ञान परंपरा से अनुप्राणित ऋषि गौर भी थे, ये हम आज जब सोचते हैं तब हमको लगता है। मैं आपको कहूंगा कि हरि को ऋषि गौर से बताए हुए पथ पर आपको चलना है। मल्टीडिसिप्लिनरी की बात, ये हमारी प्राचीन परंपरा थी। गुरुकुल में कोई एक विषय नहीं सिखाया जाता था, शस्त्र चलाना भी, शास्त्रार्थ करना भी, ज्योतिष विद्या भी, आकाश विद्या भी। सर्वांगीण विकास हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधि नागरिक का हो, यह गुरु को अल्लाह का लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य भी यह है। इतना ही नहीं, मातृभाषा, मातृभाषा का गौरव सर्वप्रथम उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित किया, हिंदी माध्यम बनाया, नागपुर में भी बनाया। ये काम कर रहे थे, फिर भी मुझे बताना यह है कि भारतीयता से अनुरूप, भारतीय चिंतन प्रणाली से अनुकूल कार्य करना एक बात है, लेकिन यह कार्य सही है, तर्कपूत है, आवश्यक है, उनकी प्रतीति कराना यह बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश अफसरों को, लॉर्ड को, अधिकारियों को प्रतीति कराई कि मैं जो प्रवृत्ति कर रहा हूं वो सही है, भारत के लिए श्रेयस्कर है और प्रेयस्कर है। और ब्रिटिशरों ने उनको नाइटहुड का इल्काब दिया। हमने भारत रत्न नहीं दिया है, हमने गौर को कुछ नहीं दिया है, हमने गौर से लिया है, लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने नाइटहुड का किल्ता किसको दिया? हरि सिंह गौर को दिया। इतना ही नहीं, जहां जहां कॉलोनी, ये जहां जहां ब्रिटिश राज्य था, वहां सब राष्ट्र के कुलपतियों को बुलाया, 27 कुलपतियों को चुन चुन कर। ये कॉलोनी तो बहुत थी, वहां ब्रिटिश का तो सूर्य अस्त नहीं होता था, हम बोलते हैं। तो ऐसे सब राष्ट्र से शिक्षा के साथ जुड़े हुए कुलपतियों को ब्रिटेन में बुलाया, 21 दिन तक बड़ी, आज हम वर्कशॉप कहते हैं, समर स्कूल कहते हैं, ऐसी एक सम्मेलन था, उसमें ऋषि गौर को चुना। इतना ही नहीं, ये पूरे कुलपतियों के ग्रुप की अध्यक्षता किसको सौंपे? हरि सिंह गौर को। ब्रिटिशरों ने, ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह गौर को जो मान दिया है वो क्यों दिया है? उनके अनुकूल तो थे नहीं, वहां तो रहे नहीं, आईसीएस बने फिर भी उनका कुछ उपयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने देखा भारतीय प्रज्ञा का तेजस्वी अनुसंधान राजपुरुष में नहीं दिखाई दे, भारतीय प्रज्ञा का तेजस्वी अनुसंधान उनको गांधी में दिखाई दिया था, उनको मानने लगे थे। इसी तरह हरि सिंह गौर में दिखा दिया, लोगों को भी दिखा दिया, उनको भी दिखा, तो उन्होंने सबको बताया। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री भारत के अनुरूप बात करते हैं, भारतीयता की ही बात करते हैं, लेकिन फिर भी विदेश के लोगों को क्यों पसंद है? आखिर तो राष्ट्रपति प्रेम, राष्ट्रपति अपना स्टैंड पॉइंट, राष्ट्रपति अभिमुखता कोई भी राष्ट्र के नागरिक को पसंद आती है। ये कमिटेड है, ये प्रतिबद्धता, ये कमिटमेंट आगे ले जाने वाली बात है। मैं आपको कहूंगा कि आप सब ऐसे कमिटेड बनो, राष्ट्र के प्रति, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
का विनियोग करने का भार आपके कंधे पर आया है। आप में से कई लोग ने सुवर्ण चंद्रक से विभूषित हो गए हो, लेकिन सुवर्ण चंद्रक से विभूषित हो गए हो तो आपका एक दायित्व बनता है इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए राष्ट्रीयता से सराबोर होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विनियोग करने के लिए क्रियाशील बनना। आप सब ऐसे संधिकाल में जा रहे हो, समाज में स्पर्धा है, बहुत स्पर्धा है, लेकिन आपकी प्रामाणिकता, आपकी निष्ठा, आपका मूल्यवान व्यक्तित्व, जो विवेकानंद जी ने कहा था, जो मदन मोहन मालवीय ने कहा था, हमारे रामकृष्ण ने कहा था, ये सब गुण आपके व्यक्तित्व में से उजागर करके आप हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो, एक बड़ी उपलब्धि आपकी। आपके साथ किसका नाम जुड़ा? भारतीय शिक्षा के उद्गाता हरि सिंह गौर की यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ा है। ऐसी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति संपन्न कराने के दिनों में राष्ट्र की, भारत की परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए क्रियाशील हो गई है। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय क्रियाशील हो गया है। आदरणीय पंकज जी ने तो 6 सत्र लेकर, 6 सेमिनार लेकर हाउ टू अप्लाई दिस, उनका पूरा मार्ग भी बता दिया है। हमारी राष्ट्रीय प्रतिभा, हमारी राष्ट्रीय प्रतिमा दिखलाने का ये समय आया है। ऐसे समय में आप सफल बनो, इतना ही नहीं, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध बनकर तेजस्वी नागरिक के रूप में देश में विदेश में प्रतिष्ठा प्राप्त करो, ऐसी कामना के साथ अपने विचार को विराम देता हूं। नमस्कार। आदरणीय सर, आपके आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया से आग्रह करता हूँ कि दीक्षांत समारोह में पधारे हमारे आदरणीय अतिथियों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदया माननीय डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी के सम्मान के लिए मैं कुलपति महोदया से आग्रह करता हूं। ये देख लीजिए, ये मिलेट्स का पैकेट है। ये चूंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023, ये फूड पैकेट्स है, इसमें मिलेट्स हैं। विद्यार्थियों के को मिलेट्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। माननीय कुलपति महोदया से एक बार पुनः आग्रह है कि आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय प्रोफेसर बलवंत राय शांतिलाल जानी जी का भी सम्मान करने का कष्ट करें।
मिलेट्स के फूड पैकेट्स हमारे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग के सौजन्य से प्रदान किए जा रहे हैं। अब मैं माननीय प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता कुलपति महोदया के सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर पी के कटहल डायरेक्टर फैकल्टी अफेयर्स को। आज का यह गरिमामयी समारोह अपने अंतिम चरण में है। मैं माननीय प्रोफेसर बलवंत राय शांतिलाल जानी कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है, उसको पूर्ण करने की मैं घोषणा करता हूं। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। सभा में उपस्थित सभी माननीय अतिथियों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर रहेंगे। अभी औपचारिक आभार ज्ञापित किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद शोभा यात्रा इस सभा से प्रस्थान करेगी। तो उस जब तक जैसे आपने स्वागत किया था उसी तरह से प्रस्थान के समय आप अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वन से शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। तो मैं औपचारिक आभार ज्ञापन के लिए एक बार पुनः विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री संतोष सौगोरा जी से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद आशुतोष जी। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन का, जिन्होंने इस समारोह की सफलता के लिए गौर अतिथि के रूप में अपना आशीर्वचन प्रदान किया। दीक्षांत भाषण के लिए मैं आभारी हूँ भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली की महासचिव माननीय डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी का। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय शांतिलाल जानी जी का भी मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी का कि उन्होंने आप देखिए कि एक साल के अंदर ही यह दूसरा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह करके दिखा दिया। मैं आभारी हूँ विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यगणों का। सागर नगर से पधारे सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, सागर शहर से ही पधारे हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सम्माननीय नागरिकगण, एनसीसी सागर यूनिट के यहाँ पे उपस्थित सीनियर ऑफिशियल्स का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थीगण, शोधार्थी और उनके गौरवान्वित अभिभावकगण का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति के समस्त सदस्यगण एवं गठित समस्त समितियों के समन्वयक, सह समन्वयक एवं सदस्यगणों का भी आभार। दीक्षांत समारोह के मुख्य समन्वयक प्रोफेसर नवीन कांगो जी एवं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगणों का मैं विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम सागर का सहयोग बहुत ही अवश्य साई था, इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे हमारे समस्त सम्माननीय पत्रकार बंधुओं का भी मैं कोटिशा धन्यवाद देता हूँ। और अंत में इस समारोह के सफल आयोजन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर रहे समस्त सम्माननीय बंधुओं का भी मैं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। एक बार पुनः विद्यार्थियों के लिए निर्देश है, अनुरोध है
कि जब तक शोभा यात्रा इस पूरे प्रांगण से बाहर नहीं जाती तब तक आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माता की जय। आप अपने स्थान पे बैठ जाएं। आप अपने स्थान पे विद्यार्थी गण बैठ जाएं। शोभा यात्रा प्रस्थान कर रही है। सबसे पहले कुलाधिपति महोदय, कुलाधिपति महोदय, हाँ आप सबसे पहले कुलाधिपति महोदय, फिर हमारी मुख्य अतिथि जी, कुलपति जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, परीक्षा नियंत्रक महोदय, अकादमिक अफेयर के डायरेक्टर साहब, और आखिर में फ्लैग के साथ कुल सचिव महोदय, विश्वविद्यालय ध्वज के साथ आप सभी से निवेदन है कि ये ज्ञान की शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा हमारे सभागार से प्रस्थान कर रही है। करतल ध्वनि के साथ जब तक शोभा यात्रा के एक एक सदस्य सभागार से बाहर नहीं होते उनके हर एक कदम ताल को तालियों के लय में आप पिरो सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय की अकादमिक गरिमा की यह शोभा यात्रा हमारे बीच हमारी सभा से प्रस्थान कर रही है। सबसे पीछे आखिर में विश्वविद्यालय के ध्वज के साथ माननीय कुल सचिव श्री संतोष सहगौरा जी, ये गौरव का क्षण है, ये स्मृतियों का शिलालेख है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। विद्यार्थीगण अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए, अतिथियों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है।